Hello everyone, in this video I'm going to teach you Mathis Prime class 8 exercise 5.1 chapter 5. So without further delay, let's get started. And before going to start my video, I want to request you please hit the like button and subscribe to my channel, because your one likes always motivates me to make new video. And if you have any kind of doubt, you can just comment below. And there is also a Telegram channel, Mathis Prime class 8, where you can send your queries. So I always try to give you the resolutions. Okay, so without further delay, let's get started on the question number one. What the question number one is saying, we are going to start that. Okay, find the value of each of the problems. जो आपकी values यहाँ पर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, उनकी सारी की सारी आपको problems ढूंढ कर बताना है, ठीक है ना. Questions आप अपने book से check कर लेना, यहाँ पर मैं आपको exact answers बता दे रहा हूँ, ठीक है. तो पहला question जो हमारा कितना है, 3 × 52, ये आपका question written भी है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है. 3 × 52 × a = ए मल्टीप्लाइड 2 × 78. अब दोनों साइड का मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखो कितना आ रहा है. दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो तो 3 × 52 करते हो तो आपको 156 ए आ रहा है. माइनस इधर बगल वाले में भी करते हो तो आपको क्या आ जाता है, 156 ए ही आ रहा है, ठीक है. लो जूम कर देता आपको जिससे दिक्कत ना हो, 156 ए ही आ रहा है, ठीक है. अब उधर साइड वाला नंबर जब इधर आएगा, आप बताओ तो वो प्लस का था पहले, अब ये वाला इधर साइड का नंबर अब इधर आ रहा है, किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. तो अब ए इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा कॉमन. अब जब ए दोनों से में से कॉमन आ जाएगा तो 156 माइनस हो गया तो ए इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है. समझ में आया आपको. सो रियल वैल्यू इज रियल वैल्यू सॉरी सो एवरी रियल वैल्यू ऑफ आ इज पॉसिबल. जो सवरी की सारी रियल वैल्यू है वो ए जो है वो पॉसिबल है. बी नंबर का आप देख लो, बी नंबर अभी आपको सेम है. देखो 5a − 25 = 50 है, तो 5a 25 इधर से गया उधर चला गया, तो ये इधर माइनस का था उधर चला गया, तो किस में हो गया, प्लस का हो गया ना. अब प्लस का हो गया तो 50 + 25 = 75 होगा 5a. अब तो ए जो है देखो आप कहाँ 5 जो है तो ये कहाँ चला गया, नीचे चला गया. अब 75 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो सीधी बात 15 आएगा, ये हमारा आंसर 15 आ गया. चलो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन आप चेक कर लो एक बार. सेकेंड नंबर वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको उसके डायरेक्ट आंसर्स लिखे हुए हैं, आप उसको एक बार चेक कर लेना. बल्कि कहो तो क्वेश्चन नंबर रीड करके मैं बता दे, जो यहाँ पे ब्लैंक्स है उस पर भरना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9 को. यहाँ पे आप फिल करने को उसको ABCD को आपको बना देना है. देखो ABCD मैंने बना रखा है, ठीक है. ईजी क्वेश्चन है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं. 14 × 9 = 126 हो जाएगा. दूसरा वाला देख लो आप, बी नंबर 12 × 6 × 3 = 216 हो जाएगा, ठीक है. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए. 3 नंबर वाला आपका जो क्वेश्चन है, अच्छा 3 नंबर का आंसर नहीं लिखा, चलिए मैं इसको आपको ओरली बता देता हूँ. 3 नंबर वाला जो आपका आंसर है, एक मिनट वेट करिएगा गैस. गलती से इसका क्या हुआ ना, PDF डालना मैं भूल गया, तो अभी आप डायरेक्टली तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकता, तो आपको मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं. जो हमारे पास आंसर सब लेवल हैं उसको अपन कर लेते हैं सही से, ठीक है ना. अब 4 नंबर वाला आप देख लो, यहाँ पे क्या नंबर हो जाएगा 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए देख लो. 3 × x है, मतलब ये डॉट है, डॉट की जगह आपको फिलअप करना है. तो देखो 3 × 6 = 180 होता है, आपको पता है. 5 और 3 है तो यहाँ पे आप 5 और 3 की जगह पे आप क्या डाल दोगे, 5 और 3 की जगह पे तो क्या डाल दोगे, 53 × 3 आपका, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है. एक मिनट रुक जाना आप जरा. हाँ नहीं एग्जैक्ट है ये, थोड़ा सा आपको क्या है ना लेंदी है, ये 3 स्टेप में करना है ना. तो 153 × 3 हो जाएगा, तो 153 × 3 हो जाएगा 459, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है. इसको आपके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेना अच्छे से, यहाँ पे 1, 2 स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. 5 नंबर क्वेश्चन पे वही सेम चीज़ें हैं, आप इसके आंसर्स चेक कर लो. चलो 5 नंबर के मैं आंसर आपको बता देता हूँ. ये भी इसकी भी PDF इस पर डली नहीं है, आप वेट करो एक मिनट, ठीक है. हाँ क्लास ये इजी है, यहाँ पे आपको बस ए बी की वैल्यू रख देनी है. तो आपका 5a का जो है a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और b इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर a का a इक्वल टू हमारा 6 हो जाएगा, b इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर b पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर b जो हमारा है a इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा, और फिर क्या है, हाँ a इक्वल टू 3 हो जाएगा, बस इतना ही, a की वैल्यू उसमें पुटअप करनी है, ठीक है ना. आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर a जो है ये a है,
इसके बाद ये बी है, तो हमको केवल यहाँ पे ए की वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। तो जो हमको यहाँ पे केवल ए की वैल्यू पुटअप करनी है, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है वहाँ पे 3 है। अब क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सी पे आपकी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, और बी की वैल्यू आपको कितनी डालनी है वहाँ पे 7 डालना है। ए की वैल्यू फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू आपको 7 डालना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर डी पे आपका, क्वेश्चन नंबर डी पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आपका क्या है 5 है, ए का वैल्यू आपको 5 है, आपको वहीं पे आपको 5 5 5 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। और आपको आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं उसको एक अलग से वीडियो बना के आप अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको चेक कर पाओगे, उसका आंसर वहाँ पे रिटर्न नहीं। आई थिंक दैट गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी चैनल पे बने रहें और आपके वीडियोस देखते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री में क्लासेस लेके आता हूँ, सोल्यूशंस लेके आता हूँ, क्योंकि आप देखोगे मैथ्स प्राइम के सोल्यूशन बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं और रेयर टू रेयर मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। चलिए, चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है।